अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर एजाज अहमद। आज की हमारी वीडियो पर टॉपिक है, क्या एक्सरसाइज करने से लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके पास बहुत सारी रीजंस होती हैं एक्सरसाइज ना करने की, एंड दिस इज मे बी वन ऑफ द रीजंस के उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज करने से क्या ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी, उसका स्पैन बड़ा हो जाएगा। दे वॉन्ट टू नो द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एंड व्हेन दे वॉन्ट टू क्रिटिसाइज एक्सरसाइज देन दे आस्क दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, वेदर द लाइफ स्पैन वुड बी इंक्रीज्ड बाई डूइंग एक्सरसाइज। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक कि एक्सरसाइज करने से क्या ज़िंदगी उतनी ही रहेगी या बढ़ जाएगी। So first of all, as a Muslim, we have a firm belief that Allah has given us a fixed time frame to spend in this world. So, ऐसा तो बिल्कुल हमारा belief है कि ज़िंदगी हमारी एक fixed time के लिए हमें मिली है। तो क्या exercise ना करने से वक्त से पहले time पूरा हो सकता, इस चीज़ को भी हम अपने discussion का हिस्सा बनाएंगे। एक्सरसाइज के बारे में एक बुज़ुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही, आई जस्ट वॉच दैट वीडियो, आई वॉन्ट टू शेयर हिज रेफरेंस। उन्होंने ये कहा कि एक्सरसाइज का सिर्फ एक पॉइंट है, एक नंबर है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक पॉइंट आता है, आपका स्कोर होता है सिर्फ 1। और उसके साथ जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो आपको एक 0 उसके साथ और मिल जाता है, इट बिकम्स 10। ग्रेजुएशन के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो आपको एक 0 और मिल जाता है, इट बिकम्स 100। आप अच्छी जॉब के साथ अपनी लाइफ को गुजारते हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपको गाड़ी अच्छी मिल गई, तो आपको एक 0 और मिल गया तो अब आपका स्कोर हो गया 1000। आपकी शादी हो गई, आपको अच्छी डिग्री मिल गई, आपके बच्चे हुए, आप उनके साथ खुश हैं, एक 0 उसमें और लग गया, इट बिकम्स 10,000। इस तरह आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आती रहेंगी, आती रहती हैं और आपके 0 बढ़ते रहते हैं, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, इस तरह ये फिगर बढ़ता रहता है। मगर जैसे ही आपका जो पहला वाला 1 था, दैट वाज स्कोर ऑफ एक्सरसाइज, दैट वाज 1, इस सारी अचीवमेंट्स को आपने काउंट किया तो इट बिकम्स मिलियन, मिलियन का एक फिगर आपके पास आ गया। मगर एक्सरसाइज का जो 1 है इसको हम इसमें से निकाल देते हैं, तो बाकी जितने ज़ीरोज़ हैं जो प्लस करके एक बड़ा अच्छा एक हैंडसम फिगर बन रहा था, उसमें से आप एक्सरसाइज को माइनस कर दें तो बाकी के जो फिगर्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये सारी अचीवमेंट्स जितने भी हैं सबका ताल्लुक एक्सरसाइज के साथ है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी एक सीनियर सिटीजन की, विच वाज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ लेक्चर टू द गाइस हु केम टू द जिम और हु केम टू द पार्क फॉर एक्सरसाइज, दैट वाज फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। ऑन द अदर हैंड, इफ यू डोंट एक्सरसाइज व्हाट हैपेंस टू यू, आप एक नई कार खरीदते हैं जिसकी मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, मगर उसको आप मेंटेन नहीं करते तो ग्रेजुअली उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है और वो 150 से 140, 120, 100, इससे भी नीचे उसकी परफॉर्मेंस चली जाती है कि उसकी स्पीड अब 90 से ऊपर जाती ही नहीं है। 90 से ऊपर अगर आप उसको ट्राई करते हैं ले जाने की तो वो मिसिंग करना शुरू कर देती है, बिकॉज सिंस यू परचेज दैट व्हीकल यू डिड नॉट सेंड दैट व्हीकल फॉर द मेंटेनेंस। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर होती है कि वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर स्पीड पे चल नहीं सकते। अब आपने कराची से हैदराबाद जाना है और इस व्हीकल को आप अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं जो 30 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा आप चल नहीं सकते। जैसे उसको आप एक्सलरेट करते हैं और 30 से ऊपर की स्पीड की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो मिसिंग करना शुरू कर देते हैं। कमोबेश मोर और लेस यही हाल एक्सरसाइज ना करने वालों का होता है कि एक सर्टन टाइम पीरियड तक तो आपकी हेल्थ और फिटनेस अच्छी रह सकती है। आज का जो टाइम चल रहा है जिसमें आप इम्प्योर ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, गैर खालिस खाने हैं,
कंडमिनेटेड वाटर है, साफ पानी नहीं मिलता, आबो हवा सही नहीं है. तो हमारे बुज़ुर्गों की सेहत अच्छी रही अपने टाइम में, चूँकि उनका एटमोसफेयर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, ग़ज़ाएँ अच्छी खाते थे. हमें वो सब कुछ खाने को नहीं मिल रहा, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं. वैन वी क्रॉस 40-50, तो अल्लाह ने हमें जो इंटरनल ऑर्गन्स दिए हैं, दे आर वंडरफुल ऑर्गन्स. जैसे मैंने गाड़ी की आपको एग्जांपल दी कि 150 से 30 पे उसकी परफॉर्मेंस आ गई, क्योंकि उसको मेंटेनेंस पे नहीं भेजा गया. व्हाट हैपेंस विद आवर हार्ट, इसकी परफॉर्मेंस 100% आपको मिल रही है, आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, आप भाग दौड़ भी सकते हैं, आप स्ट्रेंथ वाले काम भी कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, कभी आपको इमरजेंसी में कुछ वेट उठाना पड़ जाए तो आप वो भी लिफ्ट कर सकते हैं. मगर व्हाट हैपेंस बाय द टाइम के अगर हार्ट आपका वीक होना शुरू हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपका फैट का रेशो आपकी बॉडी में बढ़ गया, आपका पेट बड़ा हो गया, विच आई कॉल अ डिफेक्ट. जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में कहा कि कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदने जाते हैं और वो अपनी शेप से आउट है और फूली हुई है तो आप कहेंगे इट इज़ डिफेक्टिव. तो इसी तरह अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो दैट इज़ अ डिफेक्ट. जो चीज़ आप डिफेक्टिव ख़रीद रहे होते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है उसकी शेप से ही कि अंदर से ख़राब होगी. तो जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया, एक बच्चा बड़ा ही खूबसूरत शेप लेकर पैदा होता है, तो वो एक नेचुरल उसका शेप है. मगर जब आपका पेट बड़ा हो जाता है तो इट इज़ ऑल्सो अ डिफेक्ट. इसका मतलब यह है कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं रहा, आपको बाहर से अंदाज़ा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी. तो क्या होगा कि अगर आपका हार्ट 100% से 30% पर भी आ गया है तो वो आपको एनर्जी तो देगा, आपका काम तो चल रहा होगा, आपको पंपिंग तो दे रहा होगा. मगर उसकी मिसाल उसी गाड़ी वाली है कि जो 150 किलोमीटर पर आवर पर भाग सकती थी, मगर आप सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर तक भाग सकती है. आपकी दो किडनीज हैं, उसमें से अगर एक भी रह जाती है तो एक तो काम कर रही है. आपके लंग्स राइट और लेफ्ट दो आपके बैग हैं लंग्स के, एक भी काम कर रहा है तो काम तो आपका चलता रहेगा. बट जिस तरह हमने क्वेश्चन शुरू में आपके सामने रखा कि क्या एक्सरसाइज करने से लाइफ स्पैन बढ़ता है, असल क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सरसाइज ना करने से लाइफ स्पैन घटता है या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी की एज 70 अल्लाह ने उसको दी है और उसकी हेल्थ वर्स्ट कंडीशन में आ जाती है 60 तक. तो 60 से 70 ईयर्स अगर उसने इस तरह गुजारनी है कि वो बेड रेस्ट कर रहा है, मेडिसन्स पे है, उसके टेस्ट हो रहे हैं, वो बीमार है, जैसा कि सीनियर एज में हो जाता है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनके मस्कुलर सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, देर आर मैनी मोर इश्यूज विद द हेल्थ, जिसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो एक्सरसाइज. वो ना करने की वजह से आपको 100 मसले हो सकते हैं. तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ कि अगर आप 60-70-75 की एज तक एक्सरसाइज के ज़रिए फिट रह सकते हैं तो ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ. और अगर आप एक्सरसाइज के बगैर 50-60 or 70 की तरफ मेडिसिन के थ्रू और हॉस्पिटल्स के थ्रू और डॉक्टर्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन साइड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज़ वेरी पुअर. तो एक गाड़ी जिसकी मैंने मिसाल दी कि जो 30 किलोमीटर पर आवर तक भाग रही है, उसको आप किस तरह यूज़ करेंगे, और इसी तरह हमारा हार्ट जो 30% पे हार्ट बीट हमें दे रहा है, काम तो हमारा चल रहा होगा मगर 30 से ऊपर की परफॉर्मेंस वो हमें नहीं दे सकेगा. तो इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का स्पैन तो 70 ईयर्स तक है, मगर 60 पे आपकी मशीन ने जवाब दे दिया. तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज़ वन सॉल्यूशन फॉर ऑल इश्यूज. एक्सरसाइज करें, खुद करें, अपने बच्चों को कराएं. माई स्मार्ट फिटनेस को सब्सक्राइब करें. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जब तक अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.